आज जब नारी के विकास की होती है, उसके सम्मान की होती है, तो अच्छा लगता है। और लगे भी क्यों ना, नारी प्रगति के हर सोपान को जो छू रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, और ये पहलू है महिलाओं की सेहत का, जो कहता है कि नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तो देखा ना आपने नारी के इन दो पहलुओं को। जी हाँ, आज भी समाज में महिलाओं का एक बड़ा तबका चुपचाप रहकर न केवल मानसिक और भावनात्मक समस्याओं से पीड़ित है, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं से भी वंचित है। हालांकि ग्रामीण महिलाएं जागरूक तो हो रही हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें अपने और बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में पता नहीं है। कहते हैं ना कि एक स्वस्थ महिला न सिर्फ स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, बल्कि समाज में एक सक्रिय भागीदारी भी निभा सकती है। तो चलिए ये जानते हैं कि माँ की सेहत किस प्रकार है शिशु की कुंजी। बच्चे को स्वस्थ रहना माँ के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन भारत में ज्यादातर महिलाएं जहाँ दिल की बीमारी से पीड़ित हैं, तो डायबिटीज और थायराइड के अलावा उन्हें मानसिक अवसाद का भी दंश झेलना पड़ता है। इनमें से ज्यादातर मृत्यु कुपोषण के अलावा गर्भावस्था और प्रसव के दौरान होती है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि गर्भवती महिला एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे और खुद भी स्वस्थ रहे, उसकी उसको कोई भी बीमारी ना लगे जो कि उसके अभावी समय में उसको परेशानी करे, और उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी नियमित रूप से जांच कराए। शिशु जिसके साथ सबसे अधिक समय व्यतीत करता है वो माँ ही होती है। जरा सोचिए, जब एक स्वस्थ नया बच्चा अपनी माँ की बाहों में समा जाता है, तब जहाँ माँ को लगता है कि पूरी दुनिया का प्यार उसे मिल गया हो। लेकिन इसका दूसरा पहलू बड़ा ही चिंतनीय है। गौरतलब है कि किसी महिला के स्वास्थ्य की समस्या केवल उसकी समस्या नहीं होती, बल्कि सामाजिक समस्या भी होती है। काम का बोझ, महामारी, जल्दी विवाह और फिर गर्भधारण के बाद यदि सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वो है अच्छा भोजन। हम देखें कि हम कहते हैं कि यदि माँ का वजन जो है वो 45 किलो से कम है प्रसव के समय, तो इसका मतलब माँ कुपोषण से ग्रसित है। और हमारे यहाँ बहुत सी महिलाओं को आप पाएंगे कि उनका वजन जो होता है 30-35-40 किलो इतना होता है। एक तो कारण है कि कम अवस्था में उनकी शादी हो जाती है, वो कम अवस्था में माँ बन जाती हैं, पूरा शारीरिक विकास नहीं हो पाता उस टाइम तक। उसके अलावा दूसरी समस्या जो है भोजन की, यदि मान लो वो भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं लेती हैं तो भी उनको जो है वो कमी हो जाती है। इसके न लेने पर महिलाओं में थकावट, कमजोरी, खून की कमी यानी एनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि ज्यादातर माएं चाहती तो हैं कि उनका बच्चा जब पैदा हो तब गोल मटोल और तंदुरुस्त हो, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। हद से ज्यादा खून बहना, प्रसव के वक्त होने वाली दिक्कतें, इन्फेक्शन और हाई ब्लड प्रेशर, ऐसे कई कारण हैं जो माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा साबित होते हैं। जी हाँ, जहाँ माँ बनना जीवन का सबसे खूबसूरत एहसास होता है, तो वहीं ये एहसास अपने साथ कई प्रकार के दुखद अनुभवों को भी साथ लाता है। जरा सी चूक, जरा सी लापरवाही या फिर जानकारी की कमी से गर्भ को नुकसान हो जाता है। गौरतलब है कि आज भी भारत में हर साल जन्म देते समय तकरीबन हजारों महिलाएं प्रसव के दौरान अपनी जान गंवा देती हैं। कई मामलों में माँ या नवजात शिशु या दोनों की ही मौत हो जाती है। जैसे ही माँ प्रेग्नेंट हो, हमें देखना है कि उसका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे पास बहुत समय है। अगर कम है हीमोग्लोबिन तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। हम एक गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन 11 ग्राम होना चाहिए। अगर 11 ग्राम से कम है तो हम उसमें विशेष तरह से इलाज करते हैं। हो सकता है उनको इंजेक्शन भी लगाने पड़ जाए अगर बहुत कमी है, और कभी कभी खून भी चढ़ाना पड़ता है। तो जैसे ही महिला गर्भवती हो, सबसे पहले 3 महीने में एक बार जाँच कराएँ, फिर दूसरे 3 महीने में एक बार जाँच कराएँ, और फिर आखिरी के 3 महीने में एक बार कम से कम हीमोग्लोबिन की जाँच कराएँ।
इन्फेक्शन, असुरक्षित गर्भपात, कुपोषण, कच्ची उम्र में शादी, ऐसी कुछ वजह होती है जो माँ बनने के खूबसूरत सपने पर ना केवल पानी फेर सकते हैं, बल्कि कई बार तो जान से हाथ धोने की भी नौबत आ जाती है। ग्रामीण महिलाओं की बात करें तो उन्हें खेत में काम करना है, उन्हें कीटनाशक दवाइयों के संपर्क में भी आना होता है, जिसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसी तरह घर पर धुएं से होने वाली फेफड़ों की बीमारियां और दूषित जल के सेवन से भी रोग के पनपने का खतरा रहता है। गर्भावस्था के हर महीने की पहली तारीख को अपने वजन को जरूर नापें, क्योंकि वजन के बढ़ने से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह की समस्याएं हो सकती है। इसलिए दो बार पेशाब की जांच करवाए, गर्भवती की पुष्टि होते ही डॉक्टर से मिले और सलाह ले। अभी तक हमने देखा है कि हमारे देश में सिर्फ 20% महिलाएं जो हैं वो अपना पूरा गर्भावस्था में पूरे 4 विजिट करवाती हैं। कम से कम 80% महिलाएं सिर्फ 1 या 2 विजिट या कोई भी विजिट नहीं करती हैं। तो उससे क्या होता है कि हम बीमारियों को पहचान नहीं पाते। महिलाओं में ब्लड प्रेशर की बीमारी, खून की कमी और बच्चे का ठीक से न बढ़ना, ये सब कारण हैं उनके अधिक मातृ मृत्यु दर के और बच्चे के डेथ के भी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। कुछ ख्वाहिशें, कुछ सपने और मातृत्व प्रेम, इन सब का मिला जुला रूप हैं महिलाएं, है ना कमाल की बात। महिलाएं आज हर क्षेत्र में सफलता के परचम लहरा रही हैं, खेती बाड़ी से भी लाखों कमा रही हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति हैं थोड़ी बेखबर। ग्रामीण महिलाओं की बात करें तो उनके समक्ष कई चुनौतियां हैं। दैनिक जरूरतें हैं, पशुओं की देखरेख और पुरुषों के साथ मिलकर खेती बाड़ी करनी है। घर और परिवार के ख्याल रखते रखते महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति बेखबर हो जाती हैं। हालांकि इस दिशा में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण जीवन को भारतीय चिकित्सा प्रणाली से जोड़ने का लगातार काम कर रहा है। छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करते करते बड़ी समस्या का सामना करना पड़ जाता है। शादी के पश्चात गर्भावस्था के दौरान उन्हें अनेकों स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ हो जाती है। आज भी ज्यादातर महिलाएं प्रसव कराने वाली दाई पर भरोसा करती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, गर्भ धारण करने के साथ ही आपको ये देखना है कि आपका भोजन जो है, आपका न्यूट्रिशन पूरा हो रहा है, नियमित रूप से भोजन करें। अगर महिला, हमारे गांव में भी हमने देखा है कि हुक्का पीती हैं महिला, स्मोकिंग करती हैं, बीड़ी पीती हैं। हुक्का, बीड़ी, स्मोकिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, उसका बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। अगर कोई शराब जैसी चीज़ भी पीते हैं तो वो तो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए। कम से कम 10 घंटे हर गर्भवती महिला को आराम करना है। ये तो बात हुई माओं के बारे में, अब बात उस नौनिहाल की जो अभी अभी आपके घर आया है। जी हाँ दोस्तों, शिशु की देखभाल करना आपके जीवन के सबसे खास और पुरस्कृत अनुभवों में से होता है ना? बहरहाल आइए जानते हैं शिशु को होने वाले कुछ कॉमन बीमारियों के बारे में। बच्चे खुद को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते,
इसी वजह से कई बार उनकी बीमारियां भी पकड़ में नहीं आती। हालांकि बुखार खांसी तो कॉमन है, लेकिन यदि इसके साथ सांस तेजी से चलने लगे तो ये लक्षण न्यूमोनिया के हो सकते हैं। बाल न्यूमोनिया एक गंभीर बीमारी है। 5 साल से कम उम्र में किसी भी बालक को ये बीमारी कभी भी हो सकती है। बाल न्यूमोनिया अक्सर जीवाणु या कभी कभी विषाणु से होता है। सबसे बड़ा मृत्यु का कारण अभी जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी 1 वर्ष के कम बच्चों की मृत्यु का कारण है वो है निमोनिया। तो बच्चों में इन्फेक्शन, जो उनके फेफड़ों का इन्फेक्शन होना यानी निमोनिया होना, ये सबसे बड़ा मृत्यु का कारण है आज की तारीख में हमारे देश में। इसमें भूख मर जाना, उल्टी और बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है। इसके अलावा खसरे या किसी और श्वसन तंत्र के अलावा कुपोषित या समय से पहले पैदा हुए बच्चे भी निमोनिया के शिकार हो सकते हैं। ऐसा बच्चा जिसको कि तेज सांस चल रही है, जिसकी गड्ढे पड़ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं पसली चलना, बच्चा जो है वो ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है, पानी नहीं पी पा रहा क्योंकि उसकी सांस की तकलीफ ज़्यादा हो रही है, तो वो सीवियर निमोनिया यानी उसको निमोनिया बहुत ज़्यादा हो चुका है। और नहीं तो यदि मान लो केवल उसकी सांस तेज चल रही है, बुखार है, तो उसको निमोनिया बोलते हैं। तो ऐसा निमोनिया को निमोनिया, सीवियर निमोनिया और वेरी सीवियर निमोनिया, ऐसे 3 भागों में बांटा गया है। वेरी सीवियर निमोनिया जब होता है तब तो बच्चा जो है बेहोशी की हालत में हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको बुखार होता है, बहुत तेज सांस चलती है और उसको शरीर जो है उसका वो ठंडा भी पड़ सकता है, यानी शॉक की स्टेट में भी जा सकता है कभी कभी। बड़े लोगों की तुलना में 2 से 5 साल तक के बच्चों को जुकाम अधिक होता है। इसमें नाक बहना, छींकना, थकान महसूस होना, कफ, गले में खराश, हल्का सा बुखार के अलावा पेट में दर्द, मरोड़, पेट फूलना और दस्त की शिकायत हो जाती है। बच्चे अक्सर गंदे हाथ या जमीन पर गिरी हुई चीजों को उठाकर मुंह में डाल लेते हैं, जिससे उन्हें पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आमतौर पर बच्चों में दांत 6 से 8वें महीने में निकलने शुरू होते हैं। इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। बच्चों के दांत पहले नीचे सामने निकलते हैं, फिर ऊपर के सामने के दांत आते हैं। लेकिन यदि बच्चे कमजोर हो तो उनमें अधिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। दांत निकलने के समय बच्चे दस्त से अधिक पीड़ित होते हैं। कुछ बच्चे पेट दर्द से और कुछ कब्ज से परेशान रहते हैं। दांत निकलने के समय मसूड़ों में खुजली, सूजन तथा अधिक पीड़ा होती है। बच्चे के जब दांत निकलने शुरू होते हैं तो उसके मसूड़े सूज जाते हैं, उनमें खुजली होती है, इससे उसे हर समय झुंझलाहट होती है। इस दौरान वो अक्सर अपनी उंगली मुंह में डालता रहता है। माँ द्वारा अधिक सख्त और ठंडे पदार्थ खाने से भी दांत निकलते समय बच्चा रोगों का शिकार हो सकता है। ये जो उम्र है जब बच्चे के दांत निकलते हैं 7 महीने 6 महीने 8 महीने की उम्र पे ना, तब एक तो ये होता है कि बच्चा जो है माँ का दूध हम कहते हैं कि 6 महीने तक पूरी तरह मिलना चाहिए और उसके बाद आप दूसरा ऊपर का भोजन शुरू करें। तो कई बार लोग ऊपर का भोजन शुरू नहीं कर पाते हैं, वो सोचते हैं माँ का दूध ही पर्याप्त है तो ज़्यादा समय लंबे समय तक चल रहा है, या उसको करते हैं तो केवल दाल का पानी पिलाएंगे या ऊपर का दूध पिलाएंगे तो ज़्यादा पानी मिलाकर पिलाएंगे, तो बच्चे को कुपोषण का शिकार होने की काफ़ी बड़ी संभावना होती है। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ, खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। दोस्तों ये तो मानना ही होगा कि शिशु की सुरक्षा आप पर ही निर्भर करती है और बीमारियां ना हो इसके लिए जरूरी है बचाव की, क्योंकि इससे बेहतर उपचार भला और क्या हो सकता है।
शिशु को हर एक बीमारी के खिलाफ प्रभावपूर्ण सुरक्षा के लिए एक ही टीके की कई खुराकें लेने की जरूरत हो सकती है, इसलिए टीकाकरण तालिका के अनुसार ही टीके लगवाने चाहिए। देखिए, बच्चों में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो अगर हो जाएं तो उनसे काफ़ी नुकसान बच्चों में होने की संभावना होती है। कई बार इन बीमारियों की वजह से बच्चे की जान भी जा सकती है यदि उसे उचित उपचार ना मिल पाए। बीमारी हो जाए, उपचार मिल जाए तो भी जान जाने का खतरा होता है, या उस बीमारी के कारण बहुत सारी गंभीरताएं जो बच्चों में पैदा हो जाती हैं वे लंबे समय तक वो रह सकती हैं। इसलिए सबसे अच्छा होता है कि हम इन बीमारियों से बचें, चाहे वो हम अपने खान पीन में सुधार से बचें, सफाई रखने से बचें, या कुछ हम टीकाकरण हैं जब बच्चों को दवाई पिलाई जाती है पोलियो की, दूसरे टीके लगाए जाते हैं, उनको लगाने से हम इन बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं, अपने बच्चों को उससे बचा सकते हैं। अगर सभी बच्चों को सरकार द्वारा निर्देशित टीके लगवाए जाएं, तो बचपन में होने वाली बीमारियों पर तो अंकुश लगेगा ही, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में भी काफी कमी आ जाएगी। तो सबसे पहला टीका जो पैदा होने के बाद हम लगाते हैं, लगभग पहले 48 घंटे में लगाने का प्रयास होता है, वो टीबी से बचाव का टीका हम लोग लगाते हैं, जिसे हम BCG का टीका कहते हैं। और ये अगर बर्थ पे ना लग पाए, जन्म के समय ना लग पाए, तो 1 साल तक इसको हम लगाया जा सकता है। इस टीके को लगाने के साथ साथ ही पोलियो की दवा बच्चों को पिलाई जाती है। और एक और टीका है जिसे हम हेपेटाइटिस बी का टीका कहते हैं। ये बच्चों में और हम सभी में पीलिया, एक विशेष प्रकार का पीलिया होने से बचाता है। और अगर ये पीलिया जल्दी अवस्था में हो जाए या संक्रमण जल्दी बच्चों को हो जाए, तो बाद में संभावना होती है कि ये हमारे जो जिगर है या लिवर है, इसका कैंसर बाद में जाके बन सकता है। तो इन तीनों बीमारियों से बचने के लिए, टीबी से बचने के लिए, पोलियो से बचने के लिए, और जो हमारे लिवर का कैंसर है या यकृत भी बोलते हैं, जिगर भी बोलते हैं, इसका कैंसर से बचने के लिए, और इसका जो पीलिया होता है इससे बचने के लिए, ये तीनों टीके हमें जन्म के समय लगाने होते हैं, जो हम सभी को लगवाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चों को टीके लगवाना बंद कर दिया जाए तो ये संक्रामक बीमारियां दोबारा से फैल सकती है। लगभग 1.5 महीने की उम्र पर या 6 सप्ताह की उम्र पर और टीके लगाए जाते हैं। एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसको हम पेंटावेलेंट वैक्सीन बोलते हैं। इसमें 5 बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। ये बीमारियाँ हैं, एक डिफ्थीरिया या गलघोंटू जिसको हम बोलते हैं, और एक काली खांसी या पर्ट्यूसिस जिसे हम कहते हैं, एक तीसरी है टेटेनस या धनुर्बाध, इसमें होने इस पर अकड़ जाते हैं बच्चे, दौरे आते हैं और बहुत ही ख़राब बीमारी होती है ये। और इसके साथ साथ एक विशेष तरह का निमोनिया होता है, उससे बचने का टीका भी इसमें होता है। और जैसे कि मैंने बताया, हेपेटाइटिस बी का टीका जो हम जन्म के समय लगाते हैं, वो टीके की एक और मात्रा इस बार फिर से दी जाती है। और इसको 10 हफ्ते पर और 14 हफ्ते पर फिर से ये सारे टीके लगाए जाते हैं, ये 3 बार लगाए जाते हैं। बातें तो सारी हो गई, अब चलते हैं उस ओर जहां रहे सब निरोग, यानी योग। शरीर को स्वस्थ करना हो तो योग करो, मन को स्वस्थ रखना हो तो योग करो, और मस्ती के साथ जीवन जीना हो तो योग करो। बीमारी कोई भी हो, हर बीमारी को दूर करना हो तो योग करो, मन को शांत रखना हो तो योग करो, बुद्धि का विकास करना हो तो योग करो, पर्यावरण को शुद्ध करना हो तो योग करो, और घरों में जो कलह पैदा हो रही है, आपस में झगड़ते रहते हैं, उस झगड़े को दूर करना हो तो योग करो, और मुक्ति चाहिए, अपने स्वरूप से जुड़ जाना हो तो योग करो। जीवन में जो चाहिए सब योग देगा, बस जरूरत है योग की शरण में आ जाओ और रोज योग करते चले जाओ, फिर जब जीवन में योग घट जाएगा आपका जीवन सुंदरतम हो जाएगा। हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, ये भी मन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए, क्योंकि मन तो सबका बिखरा हुआ है। सिंपल है, सांस भरते हैं, सांस निकालेंगे तो भंवरे जैसी गूंज करेंगे, जैसे भंवरा फूल के ऊपर मंडराता हुआ कर रहा हो, जैसे मुंह बंद करके ओम बोल रहे हो। तो सांस भरा हमने, अंगूठों से कानों को बंद कर लेंगे जिससे आपके कानों में बाहर की आवाजें ना जाएं,
तीन उंगली आंखों पर रख लेंगे जिससे मन में कोई विचार ना आए, एक माथे पर रख लेंगे जिससे ध्यान यहां पर लगा रहे, ऐसे सांस भर लो। आठ से दस बार करने के बाद आंखें बंद ही रखते हुए कुछ देर के लिए ध्यान में बैठे रहेंगे। मन को शांत करके माथे के बीच में लगाए रखो, कुछ सोचो नहीं, बस बैठे रहो अपने साथ और केवल अपने साथ। संसार का कुछ सोचना नहीं, ख्याल आएगा मन को हटा लेना, वहां से ले आना माथे के बीच में, बैठे रहो। ध्यान हो रहा है, प्राणायाम के बाद थोड़ी देर ध्यान में बैठने से मन को और ताकत मिल जाती है। उसके बाद हाथों के तले रगड़ें, घर्षण करें और हथेलियों को आंखों के ऊपर रख लें। आंखों के आगे थोड़ा अंधेरा होगा, मन शांत हो गया, हथेलियां हटाकर आंखें खोल लें। तो ये अभ्यास था जिसको हम रोज करके स्वस्थ रह सकते हैं, हमेशा फिट रह सकते हैं। बस जरूरत है आधा घंटा, 25 मिनट, 30 मिनट रोज निकालो और रोज स्वस्थ रहो। सिंपल अभ्यास है, सभी कर सकते हैं, उम्र कोई भी हो, बीमारी कोई भी हो, इस अभ्यास को किया जा सकता है। सचमुच नारी कहीं देवी है, कहीं माँ बेटी, कहीं बहू, न जाने कितने ही रूपों में समाज के तानों बानों में बंधी है नारी। इसलिए नारी का स्वस्थ रहना समाज के प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक है। तो रखिए अपना और अपने नौ निहालों का ख्याल। आज बस इतना ही, मिलूंगी अगले सप्ताह और पूछूंगी कैसे हैं आप। नमस्कार।